पेरेटो का सिद्धांत, पेरेटोस लॉ, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, सन्मित्र एवं कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हूं, जिसमें हम लोगों को बिजनेस के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाते रहते हैं, कोचिंग देते हैं हमारे बोरोर्स को। वहाँ हम टाइम मैनेजमेंट में हम सिखाते पेरेटो का लॉ, पेरेटो सिद्धांत। वो क्या होता है? पेरेटो ने ऐसा बोला है कि आपको यदि टाइम मैनेज करना है और कम समय में ज़्यादा काम करना है तो आप क्या करो कि आप पूरी काम की लिस्ट तैयार करो, एक से समझो दस तक, और वो प्रायोरिटी वाइज करो। प्रायोरिटी वाइज मतलब कैसा है कि जो महत्व के काम है वो पहले लिखो, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ऐसा जिनको ज़्यादा महत्व है ना, उनको ज़्यादा महत्व दे के आपको वो पहले करना है वो करो। क्योंकि 10 में से दो काम ऐसे रहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा महत्व के होते हैं, और वो यदि दो काम हमने कर दिए ना तो 80% अपना काम हुआ ऐसा हो जाता है। मतलब दो कामों का महत्व, मतलब 20% जो काम है वो 20% काम 80% इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपने क्या करना है, लिस्ट करना है, महत्व का काम है वो हिसाब से पहले दो काम फट से करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 80% बोझ हल्का हो जाएगा। अरे बाप रे, बहुत बहुत अच्छा काम हो, बहुत बड़ा काम हो गया। फिर धीरे 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 एक 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 काम आप करते रहो, बचे हुए 8 वो 20% ही है। तो वो पैराडॉक्स जो है सिद्धांत, तो वो 80-20 का रूल है। और वो क्या बोलता है कि 20% ऑफ योर वर्क हैज गॉट 80% इम्पॉर्टेंस। 20% जो काम है उनको 80% महत्व है, तो फिर वो पहले कौन से है जो 80% महत्व के, वो पहले कर लो, उनके ऊपर फोकस करो, सुबह सुबह पहले वो काम कर लो। वो क्या होता है कि हमको कठिन काम लगते हैं कभी कभी, महत्व के मगर ज़्यादा चिक चिक वाले लगते हैं, दिमाग ज़्यादा लगेंगे ऐसा लगते हैं, बोलते बाद में करेंगे, ऐसा मत करो। एक और भी एक कहावत है कि ईट द अगली फ्रॉक फर्स्ट, मतलब गंदा मेंढक जो है उसको पहले खा लो। तो जो ज़्यादा चिक चिक वाला काम है, दिमाग वाला काम है, कठिन लगता है, वो पहले उड़का लो। तो पहले प्रायोरिटी में वो लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 80-20 का सिद्धांत कहीं भी लागू होता है। आप देखिए, 20% आपके कपड़े जो है ड्रेसेस, तो आपका 20% ड्रेस आप 80 टाइम्स पहनते, 80% ऑफ द टाइम्स, मतलब 80% बार आप वही कपड़े पहनेंगे, वही कपड़े आपके हाथ में आएंगे वही पहनेंगे 80% ऑफ द टाइम्स। 20% होटल में आप जाते हो तो 20% होटल में आप 80% टाइम जाएंगे, बार बार वही करेंगे, कहीं भी लागू होता है 20-80। मतलब 20% लोग आपके पास में जो काम करे उसमें के 20% लोग जो है वो 80% काम करते हैं। देख लो, आप आपके पास में 100 लोग काम कर रहे हैं या आपके पास में 10 लोग काम कर रहे, तो 10 लोग में से दो लोग जो है वो दो वर्कर्स 80% काम करते हैं। तो 80-20 का जो सिद्धांत है वो पैरेट ने दिया था, तो वो आइडेंटिफाई आप करो, पहले 80% के ऊपर फोकस करो, जो 80% महत्व का है वो पहले कर लो, और वो 80% महत्व क्या है वो 20% ही, मतलब 20% पहले ना उनको महत्व 80% का है वो पहले कर लेंगे, दो ही काम 80% काम हुआ ऐसा लगता है, टोटल काम का, टोटल वॉल्यूम जो है काम का उसका महत्व जो है वो महत्व 80% हो गया आपको लगेगा। तो वो कर लो जो महत्व के काम है सवेरे पहले, ईटिंग द अगली फ्रॉक फर्स्ट, वो करने का है। और दूसरा, बार बार हम जो वही करते हैं उसको तोड़ने का है। अलग कपड़े पहन के देखो, बार बार वही कपड़े हाथ में आते हैं, वही शर्ट आएगा, वही पैंट आएंगी, थोड़ा अलग कपड़े पहनो, बार बार वही होटल में जाएंगे तोड़ो। हमारा ब्रेन पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में जाने का है तो 20% रेस्टोरेंट में हम 80% मर जाएंगे, 20% लोगों को हम 80% टाइम्स मिलेंगे, 20% ड्रेस हम 80% टाइम्स पहनेंगे, मतलब 20% हम वापरते रहते हैं। तो हमको वो ब्रेन पैटर्न जो हमारा वो तोड़ना पड़ेगा, हम जो बार बार वही करते रहते तो वो तोड़ो, उससे आपको कुछ नया मिल सकता है। ये नंबर एक का प्रिंसिपल उसमें, और नंबर दो का है कि आप काम खत्म करना है, महत्व के काम खत्म करना है उसको प्रायोरिटी वाइज लिखो, पहले दो खटाक से कर लो 20% जिसका महत्व 80% है, ईटिंग द अगली फ्रॉक फर्स्ट, और फिर बाद में आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको बहुत हल्का लगेगा, दिन भर मस्त जाएगा क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, फिर छोटे छोटे काम फटाफट हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळेकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।